कितने हो गए भैया? 280 रुपए। मैं फोन पे कर रहा हूँ। है जी जी, ये हो गए 2800 रुपए प्राप्त हुए। अरे भैया, वो यार गलती से 280 की जगह ना 2800 रुपए हो गए। ये देखिए। कोई बात नहीं भाई साहब, अब गलती हो गई तो हो गई, इसमें मैं और आप क्या ही कर सकते हैं। लाओ तो मेरे पैसे। पैसे तो भाई साहब वो तो वापस नहीं कर सकता मैं। अरे क्यों नहीं दे पाओगे यार, मुझे जाना है कहीं यार, पैसे दो मेरे। कैश नहीं है ना भाई साहब, अब हर आदमी तो ऑनलाइन पेमेंट करता है, कहाँ से आएगा कैश, आप ही बताइए। हाँ तो भाई मेरे, तुम भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो ना वापसी में। वो तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे यार, इसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है भाई साहब, मैं ये वाला फोन चलाता हूँ, ऑनलाइन का सारा पेमेंट मेरी बीबी के पास जाता है। हाँ तो एक काम करो ना, आप अपनी बीबी को फोन करो और उसको बोलो वो मुझे भेज देगी। आपको नहीं पता भाई साहब, ये उसके सोने का टाइम है, अगर इस समय मैंने उसे फोन कर दिया तो उसके अंदर मोंजोली कहाँ जाएगी। मुझे नहीं पता, बाकी के पैसे वापस कर। ठीक है देता हूँ, ये लो। अरे ये तो 500 है, बाकी के बचे हुए? अभी यही कैश है, बाकी आते जाते ले जाना। अरे ऐसे कैसे आते जाते ले जाना, ना मैं तुझे जानता ना मैं इस एरिया का। पकड़ अपने 500, मुझे तो पूरे पैसे अभी चाहिए। भाई साहब देखिए, जो मैं कर सकता था दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एक और तरीका है, तेरे घर चलते हैं तेरी बीवी के पास। ओ भाई ओ, जरा संभाल के, तुम क्यों जाओगे मेरी बीवी के पास, वो भी मेरे सामने। अरे मेरे भाई, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, तुझे साथ लेके जाऊंगा तभी तो वो मुझे देगी, नहीं तो उसे कैसे पता कि मेरे पैसे वापस करने। अच्छा लेकिन भाई साहब, अपनी दुकान छोड़कर कैसे चला जाऊं, और वैसे भी मेरा घर बहुत दूर है। अरे तो भाई क्यों चिंता कर रहा है, कौन सा पैदल जाना है, बाइक से चलेंगे, 2 मिनट में गए, 2 मिनट में आ गए, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अरे तो एक काम कर, 100 रुपए कम दे दियो, पर भाई मेरे चल, मुझे लेट हो रहा है। 100 नहीं 200। ठीक है तो 200 ले लियो, पर चलेगा अब। ए भूरा। हाँ भाई। अरे मेरी दुकान देखियो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले। कहाँ चल दी जोड़ी? अरे सर मुझे जाने दीजिए, इमरजेंसी है, कागज मेरे सारे पूरे हैं। कागज पूरे हैं? और पीछे वाली सवारी को हेलमेट तेरा बाप पहनावेगा? तो भाई साहब बताना भूल गया था, इस रोड पे हमेशा चेकिंग होती है। बहुत जल्दी याद आ गई तुझे, ये पकड़ 500 रुपए निकाल। अरे सर मैं कहाँ से चालान भरूंगा, बिल्कुल भी कैश नहीं है मेरे पास। कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर तो कर सके है, आजकल तो लोग सिगरेट गुटखा भी ऑनलाइन खरीदते हैं, चलो ऑनलाइन कर दे। हाँ हाँ ऑनलाइन पैसे दे दो। तू साले बोल मत, मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन कर दो। ले ये मेरा बार कोड है, इस पे भेज दे। जी सर, हो गए सर, हो गए। चलो निकल लो अब, और हेलमेट पहनाया कर दूसरी सवारी को भी। अब क्या हो गया इसमें यार, यार शिट, साला आज का दिन ही मनुष्य है, पहले वो 2800 गए, फिर वो चालान कट गया, और अब ये पंचर। भाई साहब फट गई आपकी। ओ भाई ओ, क्या बोल रहे हो? ट्यूब पंचर नहीं है ये। अरे यार ये बता, कोई आसपास पंचर वाला है? ना भाई साहब, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, पर आप घबराइए मत, मैं हूँ ना, एक जानने वाला है मेरा, अभी बना देगा पंचर, बुलाता हूँ उसे। तो बुलाना उसे जल्दी। लो जी भाई साहब, हो गया। कितने पैसे हो गए भैया? 420। 420? अरे भैया मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, इस पंचर की बताओ। इसी के बता रहा हूँ, 120 पंचर के और 300 मेरे आने के। अरे यार 300 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा टिक टिक लगा लो। अरे सही बता रहा भाई साहब, बहुत दूर से आया है। तो कौन सा प्यार का तोहफा लाया है, एक छोटा सा पंचर ही तो लगाया है। भाई साहब पंचर छोटा हो या बड़ा, पैसे पूरे लगते हैं। जल्दी करो भाई साहब, वरना मेरी बीवी दूध लेने चली जाएगी। ओ नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जानी चाहिए तेरी बीवी यार, रुक मैं करता हूँ। अरे भैया आप नंबर बताओ जल्दी। रुको। आप यही रुको भाई साहब, मैं भी आता। अरे जल्दी आना यार। रानी, रानी जी तू यहाँ पे क्या कर रहे इस टाइम, दुकान पे कौन है? एक कस्टमर के 2800 रुपए आ गए गलती से तेरे नंबर पे, देखना। हाँ पता है मुझे, उसमें से 1000 रुपए की मैंने साड़ी ऑर्डर कर दी। पर रानी उसे तो सारे पैसे वापस करने, क्या करूं? तुम्हारे पैसे देने क्या? हाँ जी मेरे पैसे ही हैं। नंबर बता। जिस नंबर से आए थे उसी पे कर दो ना। ये ले 1500। ओए ये क्या है, ये तो 1500 ही है, और बाकी के
बाकी का लग गया दंड। ओ किस बात का दंड, और वो तो शुक्र कर कि मैंने चालान और पंचर के नहीं जोड़े हैं अभी। ओ बाइक तेरी, पैसे तेरे, गलती तूने की, हम पे को चौड़ा हो रहा है तू। देख ऐसा फालतू बकवास मत कर, मुझे मेरे पैसे दो पूरे। ओ जो दे रहे ना चुपचाप रख ले, वरना तू अभी जानता नहीं है मुझे। हाँ जानता नहीं है अभी तू। नहीं क्या कर लोगे तुम लोग, साले अपने घर के बाहर खड़े होकर ज्यादा दादा बन रहे हो क्या? अभी रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो करेगी फैसला। तू पुलिस को बुलाएगा? हाँ मैं बुलाऊंगा पुलिस को। पुलिस को बुलाएगा तू? हाँ मैं बुलाऊंगा। मैं बुलाती हूँ पुलिस को। कर ले तो कर लो, डरते थोड़ी हम। देख लेते किसकी बात मानते हैं पुलिस वाले। रानी ओए, ये दुपट्टा क्यों उतार रही है? अब लगाऊंगी मैं उल्टा केस लगाती हूँ तेरे पे। अब हम बुलाएंगे पुलिस को और तुझ पे लगाएंगे छेड़खानी का आरोप, 6 महीने के लिए अंदर जाएगा तू। क्या 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 पागल पागल हो गए? अरे अरे बहन जी मेरा मतलब जो भी हो यार तुम रुक जाओ यार। क्या क्या बात हो गया, क्या बात होगी? 1500 रुपए दे दी ना हमने, बहुत है, मैं जा रहा हूँ। हो गया हिसाब अब, जा काम पे। हाँ जा जा। ओ भाई दुकान तक छोड़ दे मुझे। मैं क्यों लेके जाऊँ साले, एक तो मेरा नुकसान कर दिया, तुझे दुकान पे और छोड़ के आऊँ? नहीं लेके जाएगा। लेके जा रहा हूँ मेरी बहन जी, जा रहा हूँ। आ जाओ भाई साहब, जीजा जी आ जाओ। अरे दीदी कौन था? सब ठीक है? हमला, उसके चाचा का बेटा था। आता रहता है बेवड़ा कहीं का। मेरा सामान कहाँ है? वो तो कमेटी वाले ले गए। ओए कमेटी वाले ले गए, जल्दी से कमेटी में पहुंच जाओ नहीं तो 25,000 का चलान हो जाएगा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। भाई मुझे आगे तक छोड़ दो यार। साले तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर मुझे लूटा था ना, अब भुगत तू साले 25,000 का चलान भुगत। भाई भाई ओ भाई भाई, 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 भाई।